आसमान की तरफ देखते थे तो ये घूमती रहती थी, और हर स्काई में, पाकिस्तान के हर एरिया में आपको वल्चर नजर आ जाते। अब ये है कि हम तलाश करने निकलते हैं तो नजर नहीं आते। पुराने घोंसले मौजूद हैं वो नहीं है, तकरीबन वो भी 4-5 साल पुराना घोंसला होगा, नया नहीं होगा। अब तो बिल्कुल आप देखने को क्या, आप गिद्ध का पर भी नहीं मिल सकता आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड, देसी बोर्ड, इसके ऊपर तकरीबन कोई रात को 20-25 का जो था ना ग्रुप होता था इनका यहाँ। और नेचुरल ज्योग्राफी में जानवरों का टेंशन आम वेंदा रहना वा, वो जिथे कोई जंगली मझ मुझ मरती है वो उत्थे छां उस तरह डिग दियां जिवें पहला इत्थे डिग दियां नहीं। किथे असीं सारी दिहाड़ी वेखना उन्होंने किथे होने नामो निशान मिले। ठीक है, नहीं आपको नहीं काटेंगे। ठीक है, कपड़ा पे आना मुंह पे दे देगा ना फिर ये कपड़ा। अब इनकी लेग्स रिलीज करवा सकते हैं इजीली मेरे साथ। फैसल फरीद मेरा नाम है, मैं वल्चर कंजर्वेशन सेंटर सुपरवाइजर हूँ इधर। कम ऑन बर्ड्स, कम ऑन। क्योंकि वल्चर्स ख़त्म होने लगी थी 2000 से, तो इस वजह से साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि वल्चर कंजर्वेशन सेंटर खोले जाएँ और इनकी ब्रीडिंग करवाई जाए ताकि दोबारा जो वल्चर्स की पॉपुलेशन है वो दोबारा उसी तरह से हो जिस तरह से पहले थी। ठीक है, सीधे में जाएगी नहीं कहूँगी, इस तरह ना करवा बंद कर देंगे। यहाँ हमने कैप्टिविटी में 11 बर्ड्स रखे हुए हैं और 3 हमारे पास फीमेल हैं, 7 मेल्स हैं। तो ओवरऑल हम 4 साइड से इसकी केयर करते हैं कि किसी तरह से भी कोई इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि हमारे पास जो बर्ड्स हैं वो बस यही हैं। छोड़ दो, चलें सर। If we look at data of one colony which was in Changamanga, it had about 750 pairs back in 2001, and now there is not a single bird which is nesting in Changamanga forest.
The recent survey indicates that there are probably less than 50 birds remaining in Pakistan. मुझे तो ये नजर आता है कि इनको पानी की कमी नहीं मिलता और पानी की कमी की वजह से मर रहे हैं। मर गया नहीं, टूर गया नहीं तो। ये होटल आ रहे हैं, पकाता खुआ रहे हैं। ये जब हम यहाँ नवाज शरीफ जीरा तुम सामना पहले, जब उन्होंने बम धमाके का तजर्बा किया, ये उदो ये खत्म हो जाने। मुझे ये नहीं समझ आ रही है मैं भी कैसे खत्म हो। Some thought that probably it's an infectious disease, some kind of virus, or it could be some toxin in the environment. But then autopsies were performed on the carcasses of dead vultures. And one thing that was coming up was diclofenac sodium. Diclofenac sodium is a non-steroidal anti-inflammatory drug, which can, you know, in a normal term, we can say that it's a painkiller, which is widely used in livestock. And as a side effect, it was causing instant kidney failure in vultures. जब जानवर बीमार होता है तो उसको इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें डेक्लोफेनेक एक दवाई थी जिसके इंजेक्शन लगते थे और जानवर का बुखार उतर जाता या पेन खत्म हो जाती थी। जब लेकिन अगर वो जानवर मर जाता है इस टीका लगने के बाद भी, तो वो दवाई जो है वो इस वल्चर के लिए बड़ी पॉइजनस है। अदरवाइज ये वल्चर गली सड़ी चीज़ों को खा लेती है, इसको कुछ नहीं होता, लेकिन वो केमिकल जो ऐसे हैं जो इसको बीमार कर देते हैं, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इसका सर ड्रूप करना शुरू हो जाता है, तो ये इसको प्यास लगती है और ये मरने शुरू होते हैं। So diclofenac came in India in early 90s and in Pakistan in mid 90s. So and gradually the decline in the bird population also started. नेस्ट बास्केट लगा रहे हैं ताकि जब हम ब्रीडिंग पेयर्स को इधर रिलीज़ करें ब्रीडिंग एवरी में इस इनक्लोज़र में, तो वो फील करेंगे पहले से यहाँ पे नेस्ट है पड़ा और एक किस्म का वो नेचुरल एटमॉस्फेयर जो है ना फील करेंगे बर्ड्स। हमारे मुल्क में बड़ी ऊंची ऊंची लंबी लंबी टालियाँ होती थी जिसके ऊपर वल्चर अपना घोंसला बनाती थी, वो उसकी एक नीच होती थी, वो उसने उस पर घोंसला बनाना है, छोटे नीचे वाले दरख्त पर कोई छोटे कद वाले दरख्त पर वल्चर नहीं घोंसला बनाती, तो वो टालियाँ एक बीमारी का शिकार हो गई, वो सूख गई, बड़ी मकदार में वो सूख गई, बड़े नंबर में वो सूखी हैं। तो एक फैक्टर ये भी है, एक और फैक्टर भी है, कोई एक फैक्टर ऑपरेट नहीं करता किसी चीज़ के लिए। जहाँ भी कोई जानवर मरता है तो एक प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो खाल उतारने के लिए पहुंच जाते हैं, तो ताज़ा मरे हुए जानवर का गोश्त वो भी बिक जाता है, इसलिए कि उसको प्रोसेस करके तो जो पोल्ट्री फीड बनती है उसमें वो प्रोटीन के तौर पे वो इस्तेमाल होता है। तो ये रोल जो वल्चर का रोल था वो तो इंसान ने ले लिया, तो इसलिए वो वल्चर यहाँ पर से ख़त्म हुई। कोई जानवर मर जाए सानू कंप्लेन हो जाए भी ये जानवर मर गया फलानी जगह पर, या खोता या घोड़ा या कोई मझ फुल चुक के लै जाओ, तो फिर लै ही नहीं। किस टाइम दस दस भी जानवर आ जाते, क्योंकि तो फैक्ट्री इतने आता तो वह मतलब कड़ाई के डाल के तो हड्डी लैदा गोश्त लैदा हो जाता, वो फिर फीड बनती मुर्गी का दाना आ साड़ते ना हड्डी साड़ के ना फिर वो अगे मशीन से जाएँ उ मतलब बरीक आते पाउडर को जिम्मे पाउडर बन जाता सुा दुध नहीं बनता इस हिसाब ना बन जाता, वो फिर पाते हैं वो मिठाई के फिर चॉकलेट पैंता जी असी बच्चे खाते हैं असी भी खाते बहर भी जाते हैं। हमारी वहशत में हमसे एहतियात छीन रहे हैं, परिंदे बुनियादी तौर पर एहतियात की चीज़ है, कुछ नाजुक हैं कुछ सख जान है, गिद्ध सख जानों में से था, मगर जब हमने उनको भूखा मारा ना उन्हें हमारे आसपास कहीं गिज़ा मिलती है ना उन्हें कहीं वो मुर्दार और मुर्दार वो मिलता है जिसे वो खा के ख़त्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ वल्चर को मनूस समझा जाता है कि ये मनूस है, एक और नफरत की जाती है इससे कि ये गंद खाती है। ये एक ऐसा परिंदा है जो खौफनाक भी है, डरावना भी और साइज में भी काफी बड़ा है। ये तो एक हरामखोर जानवर है, मुर्दार खाता वो तो अच्छा नहीं होता।
ਗੁਰਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹਰਾਮ, ਇਸਕੋ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ये आप अपने मोहल्ले से जमादार को निकाल दें कि इसके हाथ में झाड़ू होता है, टोकरी होती है, गंदा आदमी है, तो फिर देख के मोहल्ले का क्या हाल होता तीन चार दिन में। तो इसी तरह से इन जानवरों का एक सिग्निफिकेंस है, एक रोल है कि हमारा जो गंद फैलाया हुआ है हमें ही ये बचाते हैं बीमारी से। कुत्ते नेड़े नहीं सुनाउंदे, अं खंभ जा खिलारने चुंझ की जानी तो उन्हें पज वगन। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ये कि चूंकि पहले गिद्ध और कुत्ते इस खुराक के लिए मुकाबले में थे, तो गिद्धे ख़त्म हो जाने की वजह से अब कुत्तों को खुराक ज़्यादा मिलनी शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जंगली कुत्ते, ये जो आवारा कुत्ते हैं, वो किस कदर बढ़ चुके हैं। पूरे उनके वो फिर रहे होते हैं, गौल फिर रहे होते हैं उन कुत्तों के। और ज़ाहिर है उन कुत्तों के बढ़ने से रेबीज, कुत्ते का काटा और रेबीज का भी चक्कर होगा। यहीं सूर या कोई जानवर, जब कोई जंगल में मरती है, कोई जानवर मरता है तो 20-25 दिन मुंह पे हाथ रख के वहाँ से गुजरते हैं, भाग के गुजरते हैं। पहले 4 दिन या 5 दिन या 3 दिन में वो साफ़ करके खा के चली जाती थी, कोई गंद नहीं होता, कोई बद नहीं होती थी। डंकीज इसलिए अपने पास रखते हैं कि इनको डाइक्लोफेनिक इनके ऊपर वो नहीं होती, यूज़ होती। अगर कभी ये बीमार भी हो जाए हमारी सोसाइटी में, स्पेशली पाकिस्तान में, तो इसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो अगर इसको डाइक्लोफेनेक लगी भी हुई हो, हम अपने पास इसको 3 से 6 दिन तक अपने पास रखते हैं, जब तक इसके ये जिस्म से डाइक्लोफेनेक बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती हैं, उसके बाद हम इसका इसकी जो है ना स्लॉटरिंग करते हैं। सुबह फीडिंग करते हैं 8 से 10 बजे के दरमियान, फिर शाम को जो हम चेक करते हैं पूरे इनक्लोज़र को कि उसके अंदर पिंजरे के अंदर जितनी भी हड्डियां वगैरह या गोश्त सुबह का बचा हुआ पड़ा है वो हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि यहां पे जैकल्स और वाइल्ड बोर और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स जितने भी हैं रात को आके वो अटैक करते हैं और वो डिगिंग करते हैं और अंदर घुसने की वो ट्राई करते हैं। हमारे यहाँ तो गिद्ध की जो अहमियत थी वो तारीखी तौर पे बहुत ज़्यादा थी। पहले हिंदू होने या बुद्धिस्ट होने से भी पहले हमारे आबाओ अजदाद ज़रतुश्ती होंगे, क्योंकि फारस की सल्तनत का यहाँ तक अमल दखल था। इसमें पारसियों के मज़हब के अंदर वो मुर्दे को बाहर एक उन्होंने वो टावर ऑफ साइलेंस जो होता है उसके ऊपर रख देते हैं और वहाँ पर गिद्धें ही उसको साफ करती हैं। Because there used to be so many vultures, and the bones would sort of fall into a well, and they disintegrate, and then it was washed out into the sea. Our tower of silence always had to be next to a sea so that the bones could be washed out. But in Karachi, for example, we have this system still, Dakma. But unfortunately, we are finding it very difficult because there are no vultures. So I think. We have to change. For vultures, you can't tell whether it's a male or a female bird. So you have to take their blood samples, do it genetically. We have special tags that we put, there are visual tags we put on the birds. And then we have microchipped them, so with a scanner we can tell, oh, this bird number is a male and we got it from there, and you know, with all the details we can tell the age, sex, where was it captured from, when. So we have all the data. Mm-hmm.
جب سے ہم نے ولچر کنزرویشن سٹارٹ کیا ہے اس وقت سے جتنے بھی لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں سارے رکتے ہیں اور آ کے اندر دیکھتے ہیں اور جب وہ اندر آ کے دیکھتے ہیں کہ ولچرز رکھی ہوئی ہیں پھر ایک طرح کی مایوسی کا بیہیو کرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں ہم نے دو تین سائٹوں کو ایک ساتھ چلانا ہے ہم نے سوسائٹی کو بھی آہستہ آہستہ لرن کرانا ہے کہ اس کی کس وجہ سے یہ بریڈنگ سینٹر قائم ہے یا ہم اس کو کیوں بچا رہے ہیں بلکہ ان کو یہ ریئلائز کرانا ضروری ہے کہ یہ انہیں کے ہی لیے کام ہو رہا ہے اب گدھ کا تو آج کی نسل کو جو پانچ سال آٹھ سال دس سال کا بچہ اس کو گدھ کا نہیں پتہ کہ گدھ کون سی ہے کہیں فلموں میں دیکھ لے یا کسی کوئی کتابوں میں دیکھ لے یا پڑھ لے یا گدھ یا چیل کا فرق ورنہ اسے نہیں پتہ کہ گدھ کیا ہے اور چیل کیا ہے انسان کی زندگی میں بھلائی نیکی خوبصورتی قائم رکھنے کے لیے فطرت سے قریب ہونا بہت ضروری بات ہے تو گویا ہر پرندہ جو ہے وہ اپنی کسی خصلت سے ہمارے اور فطرت کے درمیان ایک تعلق بنتا ہے غصہ ہوگا تو کہیں کوے کی کائے کا یاد آ جائے گی کہیں لالچ کی بات ہوگی تو چیل کا جپٹنا یاد آ جائے گا کہیں خود غرضی اور بد نظری ہوگی تو گدھ نظر آ جائے گا تو کوئی نہ کوئی اپنی خصلت سے ایک استارہ بنتا ہے اور استارے ہمیشہ ادب کی جان ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ یہ پرندہ مٹ جائے گا تو اگلی آنے والی نسل کو آپ یہ استارہ کہاں سے دیں گے گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ لینا ہی آپ کا مقصد نہیں کہ بیک گائے میری وہ ڈیکلوفینک سے ٹھیک ہو جائے اور دودھ دیتی رہے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ واٹ از سسٹم واٹ از ایکو سسٹم ہاؤ وی لیو اگر سسٹم ہی گڑبڑ ہو گیا جب ایک اسپیشیز ختم ہوتی ہے آپ کے تمبو کی جو 15 یا 20 رسیاں ہیں ان میں سے ایک رسی کٹ جاتی ہے تمبو پھر بھی کھڑا ہے پھر دوسری کٹتی ہے تمبو پھر بھی کھڑا ہے ویک ہوتا جاتا ہے جب سسٹم ویک کریں گے تو ہاں انڈائریکٹلی ہمیں ہی نقصان ہے لاہور میں کچھ 40 سال پہلے 170 مختلف قسم کے پرندے ہوتے تھے اب اس وقت 60 ہیں سب چیزیں ہم نے مار دیں بہت بڑا نقصان ہے کسی بھی جنگلی حیات کا گم ہو جانے کا کیونکہ اگر وہ ہماری غلطی سے جا رہا ہے تو ہم ابھی ہمارے پاس ابھی وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو دوبارہ پیدا کر لیں چنانچہ ہمارے پاس وہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو پہلے مفقود کریں اس کے یہ جیکٹ کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گڈ گڈ میسٹ پہ جا کے بیٹھیں دیٹس فیمیل یہ ہمارا فیمیل برڈ ہے جو ہم نے بریڈنگ ایوری میں ریلیز کیا ہے تو اس کا پازیٹیو سائن یہ ہے کہ وہ فوراً ہی جا کے نیسٹ پہ بیٹھا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے ایگلنگ کرنی ہے انشاءاللہ بائے